दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं को रिलेशन के बारे में सो वॉट डू वी मीन बाय को रिलेशन रिलेशन का मतलब होता है संबंध एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशन बिटवीन को को का मतलब होता है टू थिंग्स सो दो कौन सी चीज़ें अब आपके वाले रिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे को रिलेशन का मतलब है दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन क्या हो सकते हैं वो वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल हाइट एंड वेट सो अगर किसी की हाइट इतनी है तो वेट इतना है तो क्या रिलेशन है बिटवीन हाइट एंड वेट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मार्क्स ऑफ वन सब्जेक्ट एंड मार्क्स ऑफ दी अदर सब्जेक्ट वॉट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड वॉट वी कैन सेवॉसिटी एंड एनीथिंग टू वेरिएबल्स सो फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हम मेजर करने की कोशिश करते हैं को रिलेशन से सो so, मेजर करने के कई सारे तरीके हैं अब आज जो हम सीखने वाले हैं वो है काल पियर्सन का को रिलेशन को एफिशन मैथड सो कार्पियर्सन कौन है कार्लपियर्सन नाम का एक हमारा जो मैथमेटिशियन था स्टैटिस्टिशियन था हम कह सकते हैं रादर दैन कॉलिंग हिम मैथेमेटिशियन जिसने एक फार्मूला बताया उस फार्मूला को यूज़ करके हम कैलकुलेट करेंगे कैसे जो है हमारा कैलकुलेट होता है कोरिलेशन रिलेशन को एफिशियंट सो कालपियसन का जो फार्मूला है उसमें हम कोरिलेशन रिलेशन को को बोलते हैं आर सो आर का फार्मूला ऐसा है आर इज़ नथिंग बट इट इज़ कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बस ये एक फार्मूला है इस फॉर्मूले में जितनी भी वैल्यूज हैं इन सबको आपने सेपरेटली कैलकुलेट करनी है और इनको इस फॉर्मूले में पुटअप करनी है यू विल गेट द आंसर फॉर रैंक को रिलेशन ऑफ कोफिशंट ऑफ आर सो नाउ दिस आर इज नॉट एक्स सॉरी आर इसकी जो वैल्यू है ये दो वैल्यूज के बीच में वैरी करती है कौन सी दो चीज़ें माइनस वन एंड वन so सो बीच में जो आता है दैट इज ज़ीरो जीरो मीन्स न्यूट्रल मीन्स नो रिलेशन नाउ अगर नो no रिलेशन तो कोई बात नहीं बट अगर कोई रिलेशन है तो या तो वो पॉजिटिव होगी या फिर वो नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव है तो वन की साइड नेगेटिव होगी तो माइनस वन की साइड नाउ पॉजिटिव है तो उसमें भी जीरो और वन के बीच में देर इज समथिंग कॉल्ड है जीरो पॉइंट फाइव तो जीरो पॉइंट फाइव से ऊपर होगी तो स्ट्रॉन्ग 0.5 से कम होगी तो वीक नाउ इट विल डिपेंड 0.5 स्ट्रांग पॉजिटिव स्ट्रांग है कि नेगेटिव स्ट्रांग है दैट विल डिपेंड अपॉन की वैल्यू uh, -0.5 के और 1 minus -1 के बीच में आई है या 0.5 और 1 के बीच में आई है ठीक है नाउ लेट्स जस्ट कैलकुलेट इस r के फार्मूले में हमारे पास सबसे पहले हमको कोवेरियंस फाइंड आउट करनी है दूसरी चीज हमको स्टैंडर्ड डेविएशन x का और तीसरी चीज हमको स्टैंडर्ड डेविएशन y का फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे अब ये भी बहुत आसान है सीखना हमारे लिए ठीक है सो सबसे पहले हमको एक चीज समझना है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इट इज़ नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस ठीक है और ब्रैकेट में हम इसको ऐसे भी लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर भी लिखते हैं इसको सो so, अगर आपको ये आ गया इसका वेरियंस कैलकुलेट करने आ गया उसका स्क्वायर रूट करोगे तो यू विल गेट स्टैंडर्ड डेविशन ये वाला जो सिंबल है ना ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं कोवेरियंस किसका एक्स और वाई का कैसे कैलकुलेट होगा एक ही फॉर्मूला है याद रखना सब में वही फॉर्मूला चलने वाला है क्या सिग्मा आ, समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन इंटू समेशन वाई अपॉन एन बस इस फॉर्मूले पे वैल्यूज पुट अप करते जानी है हमको सारे आंसर्स मिल जाएंगे अब अगर मुझे स्टैंडर्ड स्ट, डिविएशन एक्स का निकालना है तो वही यहाँ पे क्या होगा समेशन अभी देखो यहाँ पे एक्स और वाई थे बट यहाँ पे सिर्फ एक्स है तो एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन इन टू वापस से यही चीज करूंगा मैं तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर अब ये देखो ये वेरिएंस था तो एज इट इज है बट ये स्टैंडर्ड डेविएशन है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट तो ये इस फॉर्मूले में इसमें लग जाएगा इसका स्क्वायर रूट ठीक है ये हो गया दो फॉर्मूले पहला और दूसरा अभी एक और फार्मूला है वो क्या है सेम फार्मूला सेम सेम इसमें वैल्यू में फुटअप करनी पड़ेगी किसकी वैल्यू वो होगी हमारी सिग्मा वाई की सिग्मा वाई इक्वल्स टू समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन वाई अपॉन एन द होल स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट ये हो गई हमारी तीन वैल्यूज कौन कौन सी पहली दूसरी और यहाँ पे है हमारे पास तीसरी इन तीनों को एक साथ आप पुटअप करोगे कौन से फॉर्मूले में इस वाले में तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आर अब आर का आंसर कहीं भी हो सकता है माइनस वन और वन के बीच में ठीक है नाउ फॉर एग्जांपल अब हमको इस इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए चीज़ें टेस्ट करनी है तो कैसे करोगे तो फॉर एग्जाम्पल एक डेटा सेट है डेटा सेट में कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं फॉर एग्जाम्पल दो वेरिएबल्स हैं एक है एक्स और दूसरा है वाई ठीक है दो वेरिएबल्स क्या क्या हैं ध्यान से समझना है हमको x और y x की वैल्यूज़ हमको दिया हुआ है कि x में कुछ नंबर्स ऐसे हैं जैसे फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है सॉरी फोर फाइव सिक्स सेवन दूसरी तरफ हमारे पास y है y की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं जैसे नाइन एट सिक्स फाइव नाउ अब फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए अगर हमको आंसर्स निकालने हैं तो हम कैसे करेंगे वो आंसर्स हमको निकालने के लिए कुछ तरीका हमारा हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या है वो तरीका वही जो हम फॉर्मूले में हमने वैल्यूज़ डाली हुई हैं कैसे उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमको वैल्यूज निकालनी है सो so, सबसे पहले हम क्या करेंगे एक्स सॉरी कहाँ चला गया हमारा सबसे पहले हम क्या करेंगे एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो क्या होगा फोर इंटू नाइन इट विल बी थर्टी सिक्स फाइव इंटू एट इट विल बी फोर्टी सिक्स इंटू सिक्स इट विल बी थर्टी सिक्स सेवन इंटू थ्री इट विल सेवन इंटू फाइव इट विल बी थर्टी फाइव इसका टोटल अब हर एक का इंडिविजुअली टोटल हमको निकालना पड़ेगा तो पहले एक एक कॉलम का कर लेते हैं फोर प्लस फाइव नाइन नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस सेवन ट्वेंटी टू सेम वे, इसका वाई का कितना नाइन प्लस एट सेवेंटीन सेवनटीन प्लस सिक्स ट्वेंटी थ्री प्लस फाइव ट्वेंटी एट सिंपल थर्टी सिक्स अब इसका एक एक कॉलम वाइज करना पड़ेगा सिक्स तो प्लस सिक्स ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस फाइव सेवनटीन कैरिड वन वन प्लस थ्री फोर फोर प्लस फोर एट एट प्लस थ्री एट प्लस थ्री इलेवन इलेवन प्लस थ्री फोर्टीन सिंपल इनफ तीसरा कॉलम क्या है तीसरा कॉलम हमारा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्यों क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर का टोटल चाहिए सो so, एक्स के कॉलम में क्या है फोर फोर का स्क्वायर कितना होता है सिक्सटीन फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन टोटल करो कितना हो रहा है सिक्स प्लस फाइव अलेवन अलेवेन प्लस सिक्स एलेवन प्लस सिक्स सेवेंटीन प्लस नाइन ट्वेंटी सिक्स कैरीड टू टू प्लस वन थ्री प्लस टू फाइव प्लस थ्री एट प्लस फोर ट्वेल्व सो वन ट्वेंटी सिक्स सेम वे एक और टोटल हमको चाहिए वो है वाई स्क्वायर का सो वाई स्क्वायर का टोटल नाइन का स्क्वायर एटी वन एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव सिंपल इसका टोटल फोर प्लस वन फाइव फाइव प्लस फाइव टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन कैरीड वन वन प्लस एट नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस थ्री एटीन प्लस टू ट्वेंटी बस सारे वैल्यूज़ हमको मिल गए. अब इसमें एन का वैल्यू क्या होता है एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सो वन टू थ्री फोर एन का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे इक्वल्स टू फोर बस हमको क्या करना है वैल्यूज रखनी है पुटअप करनी है और वी विल स्टार्ट सॉल्विंग इट सो हमको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है क्या नौ बहुत आसान है कैसे करना है देखो अभी हमने क्या किया ये सारे वैल्यूज़ हमको मिल चुकी हैं ये सारे वैल्यूज़ हमको कहाँ डालनी है इस आ, आर के फॉर्मूले में हमारे पास सारे फॉर्मूले में कोवेरियंस का है सिग्मा एक्स का है एंड इवन सिग्मा वाई का भी है बस इसमें वैल्यूज़ पुट अप करते चलनी है तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे कोवेरियंस कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड ई क्या है इसका फॉर्मूला कोवेरियंस का कोवेरियंस के लिए हमने लिखा हुआ है सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन इंटू समेशन वाई अपॉन एन सिंपल इसी फॉर्मूले पे वैल्यूज डालनी है इक्वल्स टू हमने अभी भी कैलकुलेट किया है क्या क्या कैलकुलेट किया है समेशन एक्स वाई मतलब एक्स वाई का टोटल कितना है वन फोर्टी सेवन सो वन फोर सेवन डिवाइडेड बाय एन इज़ फोर माइनस समेशन एक्स कितना है समेशन एक्स मतलब एक्स का टोटल ट्वेंटी टू सो वी विल पुट अप द वैल्यू एज ट्वेंटी टू अपॉन फोर इन टू समेशन वाई का टोटल कितना है वाई का टोटल इज़ ट्वेंटी एट सो वी विल पुट द वैल्यू एज ट्वेंटी एट अपॉन फोर सिंपल अब बस कैलकुलेट करते जाओ अपने आप आंसर्स आ जाएंगे कैसे कैलकुलेट करना है ज़्यादा मुश्किल है क्या नो no. बहुत ही आसान है बट वो आसान बनाने के लिए आपको तो कुछ चीज़ें आनी चाहिए तो क्या है वो चीज़ें वन फोटी सेवन फोर से इससे डिवाइड कर दो तो क्या हो गया फोर थ्री जै ट्वेल्व कैरिट टू फोर फोर सिक्स जो ट्वेंटी फोर फोर सेवन सो फोर सिक्स नाउ थ्री सो फोर सेवन ज ट्वेंटी एट फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी सो इक्वल्स टू थर्टी सिक्स पॉइंट सेवन फाइव माइनस क्या होगा इनकी वैल्यूज ट्वेंटी टू बाई फोर ट्वेंटी टू बाई फोर करेंगे तो कितना हो जाएगा फोर फ़ाइव ज़ार ट्वेंटी एंड फोर फ़ाइव ज़ार ट्वेंटी फ़ाइव पॉइंट फाइव एंड टू ट्वेंटी एट बाई फोर फोर सेवन ज़र ट्वेंटी एट तो इक्वल्स टू थर्टी सिक्स पॉइंट सेवन फाइव माइनस सेवन फाइव ज़ा थर्टी फाइव सेवन फाइव ज़र थर्टी फाइव प्लस थ्री थर्टी एट पॉइंट फाइव सो आंसर वुड बी नाउ दिस इज़ हायर सो आंसर विल बी इन नेगेटिव जीरो टेन माइनस फाइव विल भी फाइव अगेन हियर विल बी फोटीन माइनस सेवन कितना होगा सेवन देन एट विल बिकम सेवन माइनस सिक्स वन सो वन पॉइंट सेवन फाइव इज योर कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई एक हमको वैल्यू मिल गई अब हमको क्या चाहिए दूसरी वैल्यू दूसरी वैल्यू क्या है दूसरी वैल्यू भी हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी दूसरी वैल्यू है हमारी समेसन सिग्मा एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स उसका फॉर्मूला क्या है सिंपल सा बट वो तो हमको याद रखना पड़ेगा सो समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का स्क्वायर सो इसमें भी सिंपल सा है वैल्यूज़ पुट अप करनी है क्या क्या है वो वैल्यूज़ तो हमें पहले समेशन एक्स स्क्वायर का टोटल चाहिए होगा तो वन ट्वेंटी सिक्स समेसन एक्स का टोटल है बाईस सो एक और 22, सो वन ट्वेंटी सिक्स अपॉन फोर माइनस ट्वेंटी टू अपॉन फोर का स्क्वायर ठीक है इक्वल्स टू क्या वैल्यूज आएंगे बताओ वन ट्वेंटी सिक्स बाय फोर सो फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व फोर वन ज़ा फोर पॉइंट फाइव माइनस फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी एंड फोर फाइव जा ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव का स्क्वायर सो इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या थर्टी वन माइनस फाइव पॉइंट फाइव का स्क्वायर कितना होगा थर्टी वन पॉइंट फाइव माइनस फाइव पॉइंट फाइव का स्क्वायर वुड बी हाउ मच अब ये भी शॉर्टकट है सिंपल सी बात है फाइव पॉइंट फाइव इंटू फाइव पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई करके देखो साइड में क्या वैल्यू आएगी फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव 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 सा ट्वेंटी फाइव प्लस टू ट्वेंटी सेवन फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव 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 ट्वेंटी फाइव प्लस टू सेवन करो टोटल फाइव फाइव प्लस सेवन सात पाँच बारह सेवन प्लस टू नाइन प्लस वन एक टेन एंड दो एक तीन सो दिस विल बी थर्टी पॉइंट टू फाइव तो क्या वैल्यूज निकलेंगी अगेन थर्टी वन क्या वैल्यूज थी जस्ट अ सेकेंड थर्टी वन पॉइंट फाइव माइनस थर्टी पॉइंट टू फाइव सो थर्टी वन पॉइंट फाइव माइनस थर्टी पॉइंट टू फाइव बस इसका स्क्वायर रूट करना है हमको सो इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ हाउ मच थर्टी अगेन टेन माइनस फाइव टेन माइनस फाइव इज फाइव फोर माइनस टू इज टू सॉरी नॉट फोर हियर इट विल फोर माइनस टू इज टू सॉरी देन यहाँ पे इट विल बी जीरो जीरो माइनस जीरो जीरो थ्री माइनस थ्री सो ओके इट इज गोइंग टू बी जस्ट नो नॉट हाउ मच इट इज़ गोइंग टू बी वन वन पॉइंट

just a second let me just check if it is 2 okay ha, 206 sorry my mistake so 4 5s are 20 4 1s uh, four are 4 and 4 5s are 20 again 51.5 minus 7 ka square so which is going to be equals to sorry equals to 51.5 minus 49 kithnawara equals to स्क्वायर रूट ऑफ फोर्टी नाइन माइनस फिफ्टी वन टू पॉइंट फाइव सिंपल इनफ इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इट विल बी ओनली जीरो पॉइंट फाइव आई थिंक राइट यस नॉट इवन ज़ीरो पॉइंट फाइव समथिंग इन समथिंग एज टू पॉइंट फाइव सो नाउ वॉट इज इवन दिस पार्ट इसका भी हमारे पास सोल्यूशन है ये भी हमको करने की जरूरत एक्चुअली नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि हम वापस से आर के फॉर्मूले में वैल्यूज डालने ही वाले हैं तो जब आर के फॉर्मूले में वैल्यूज डालेंगे तो उस टाइम पर एडजस्ट हो जाएगा ठीक है कैसे डालना है देखो ना हो यहाँ तक समझ आया है क्या हमने तीन वैल्यूज सेपरेटली कैलकुलेट कर लिया अब हमको कैलकुलेट करना है आर का वैल्यू आर का वैल्यू क्या बोलता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सो इक्वल्स टू हमने सारी चीज़ें कैलकुलेट किया है एक एक करके सबसे पहले को वेरियंस क्या निकला था हमारा वन पॉइंट नेगेटिव वन पॉइंट सेवन फाइव सो इट इज़ गोइंग टू बी माइनस वन पॉइंट सेवन फाइव डिवाइडेड बाय क्या किस चीज़ से सिग्मा एक्स कितना आया है सिग्मा एक्स इज वेर इट इज सॉरी सिगमा एक्स इज ओवर नो दिस इज सिग्मा सिग्मा एक्स ओके जस्ट अ सेकेंड थर्टी पॉइंट टू फाइव आई थिंक वन स्लाइड इज मिसिंग समवेयर इन बिटवीन कहाँ गई वो स्लाइड को वाली या सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स यस सिग्मा एक्स इज़ ओवर हियर थर्टी वन पॉइंट फाइव माइनस इसका वैल्यू कहाँ गया हमारा सिग्मा एक्स इज़ स्क्वायर रूट ऑफ वन पॉइंट टू फाइव सो सॉरी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ नो 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 आई वी डोंट वॉन्ट एनी ओवर हेयर जस्ट अ सेकेंड जस्ट क्लोज इट हाँ स्क्वायर रूट क्लोज इट मैन स्क्वायर रूट ऑफ वन पॉइंट टू फाइव इन टू और क्या हमने कैलकुलेट किया है वाई वाई का थोड़ा सा एक स्लाइड आगे पीछे हो गई सो वाई इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ टू पॉइंट फाइव सो इन टू स्क्वायर रूट ऑफ टू पॉइंट फाइव अब इसका सोल्यूशन क्या है इसका सोल्यूशन हम हमको बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है वंस वी हैव एन आंसर वंस वी हैव अ सोल्यूशन टू दिस इक्वेशन वी आर जस्ट डन विद इट सो अब इसका वैल्यू कैसे निकलेगा इसका वैल्यू निकालना भी काफ़ी आसान है सो so, देखो अभी क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट हो सकती हैं पहले अब चाहिए तो इनको मल्टीप्लाई कर लो सो न्यूमरेटर इज माइनस वन पॉइंट सेवन फाइव बट डिनोमिनेटर में ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो सकती हैं सो हाउ इट कैन बी सो ट्वेंटी फाइव फाइव जो वन ट्वेंटी फाइव ठीक है वन ट्वेंटी फाइव का फाइव कैरिड ट्वेल्व ट्वेंटी फाइव टू जो फिफ्टी प्लस टू सिक्सटी टू का टू कैरिड सिक्स ट्वेंटी फाइव वन सा ट्वेंटी फाइव प्लस सिक्स थर्टी वन अब ये सब स्क्वायर रूट के अंदर है ठीक है कितने डेसिमल हो गए एक दो तीन सो एक दो तीन थ्री पॉइंट वन टू फाइव डू वी हैव द स्क्वायर रूट ऑफ दिस थ्री पॉइंट वन टू फाइव ये भी अब आपके पास कैलकुलेटर हो आप कैलकुलेट कर सकते हो बट हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है फॉर नाउ इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग तो तब कैसे होगा तो उसका भी सोल्यूशन है हम हमको क्या चाहिए थ्री पॉइंट वन टू फाइव का स्क्वायर रूट तो वो भी हम निकालेंगे कैसे फाइव से फाइव फाइव सिक्स जो थर्टी वन फाइव टू ज टेन फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव फाइव वन जो फाइव ट्वेल्व फ़ाइव टू टेन फाइव फाइव ट्वेंटी फ़ाइव फाइव फाइव टू ज टेन फाइव फाइव ज ट्वेंटी फाइव फाइव एंड फाइव वन ज फाइव कितने हो गए एक दो तीन चार पाँच देन फाइव छ हो गए सो फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव सिंपल इनफ अब अगर हम ये करते हैं so 5 in like it is 6 times so 5 fives are 25 125 so is it 125 into 125 i 3125? to 3 1, 2, 5 just let's just try to figure out okay? 5 fives are 25 5 to the 10 5 fives are 25 5 to the 10 plus uh, 212 5 ones are 5 plus 1 uh, 6 2 5 are 10 2 to the 4 plus 1 5 2 ones are 2 and at the end it is going to be 125 इस पूरे का टोटल किए तो वन टू देन हाउ मच इट इज़ सिक्स प्लस फाइव फाइव प्लस फाइव नो इट इज़ नॉट सॉल्विंग सो थ्री पॉइंट वन टू फाइव चलो लेट्स टेक द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर लेट्स स्किप दिस पार्ट ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए सो हाउ आर वी गोइंग टू डू थ्री पॉइंट वन टू फाइव का स्क्वायर रूट हम कैलकुलेटर की मदद से निकालेंगे राइट सो लेट्स कम टू द कैलकुलेटर वाला पार्ट थ्री पॉइंट 1.25. Uh, where is the calculator in this 3. Uh, Do we have the calculator? Yes. So it is how much? 3.125. Uh, आपको भी calculator allowed है तो आप कर सकते हो इसका square root अगर हम निकालते हैं. So okay, format error. Just a second. हम इसको कैसे format करेंगे? Square root of 3.125. पॉइंट so, वन सो या yeah, इसीलिए नहीं आ रहा था क्योंकि ये ऑर्ड नंबर नहीं था हमने ऑर्ड नंबर समझने की कोशिश किया तो इट इज़ 1.76, 1.77 हम ऐसे कंसिडर करके चलते हैं सो इट इज़ गोइंग टू बी 1.77। अब ये जो हमने पूरा गणित यहाँ पे लगाने की कोशिश किया है इसको रफ कर देते हैं नाउ विल कम बैक टू आर ओरिजिनल पेज कहाँ गया वो हमारा ओरिजिनल पेज थोड़ा सा एक दो पेज आगे पीछे हुए हैं हम यस yes. इस वाले पेज में राइट right? तो इस वाले पेज में हमारा वैल्यूज़ क्या आया है इक्वल्स टू minus one point seven five divided by one point seven seven which is how much What calculator I will go back to the calculator negative negative one point seven five so it is just a second one point seven seven so minus one point seven five. डिवाइडेड by 1.77 तो हमारा आंसर क्या है पॉइंट नाइन नाइन ना वॉट डज इट इंडिकेट पॉइंट नाइन नाइन माइनस ज़ीरो पॉइंट नाइन नाइन ये क्या आई है आपकी वैल्यू को रिलेशन की इसका मतलब क्या होता है कि को रिलेशन जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है माइनस ज़ीरो पॉइंट नाइन नाइन की को रिलेशन है मतलब क्या ये को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है पर कौन से टाइप की है नेगेटिव तो इट इज स्ट्रांग प्लस नेगेटिव को वो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं इस एग्जाम्पल की मदद से ये कार्ल का कहने का तरीका है एक बार डेटा सेट को आप देखिए वो भी आपको समझ आ जाएगा डेटा सेट कैसा है डेटा सेट क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से स्ट्रांग का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है जो जो चल रही है वैसे के वैसे ही है एक आ, लेकिन दोनों नेगेटिव है तो निगेटिव का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा तो देखिए आप फोर फाइव सिक्स सेवन बढ़ता हुआ क्रम है दूसरी तरफ क्या है नाइन एट सिक्स फाइव घटता हुआ क्रम है स्ट्रॉन्ग है मतलब दोनों साथ साथ ही चलेगा जैसे बढ़ेगा वैसे ही घटेगा तो फोर से फाइव नाइन से एट फाइव से सिक्स एट से सिक्स सिक्स से सेवन सिक्स से फाइव तो एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है तो वही कहने का मतलब है कि ये जो रिलेशन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है कैसे करना है लेट्स टेक रिविजन समर ही लेते हैं हम वापस से देखिए ये फॉर्मूला है आर का कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अभी आर की वैल्यू जो है माइनस वन और वन के बीच में होती है ठीक है देन कैसे किया हमने कैलकुलेट ये हमारा फार्मूला है पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है देन हमने कैलकुलेट किया कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई उसका एक फार्मूला देन सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का एक फार्मूला और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का एक फार्मूला बस यही तीन फार्मूले हैं जिनपे हमने वैल्यूज डाली अब हमारा ये एक एग्जाम्पल था जिसमें कुछ डेटाबेस दिया हुआ है इस डेटाबेस को इस फॉर्मूले में डाली और हमको वैल्यूज़ धड़ाधड़ मिलना शुरू हो गई जैसे ही मिली हमने उनको कैलकुलेट करके ख़त्म कर दिया सिंपल एनफ ये सर नो समझ आया नहीं समझ आया नहीं समझ आया तो कमेंट करके बताइए दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे बट ये इस चीज़ का मतलब है इस चीज़ का आंसर है थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा